हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट अगर काला है उसको कैसे साफ कर सकते हैं और 2 से 3 शेड उसको कैसे गोरा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, छोटी सी कढ़ाई ली है और इसमें मैंने पानी भर के रख दिया है। अब जो कढ़ाई हमने ली है, इस पानी के ऊपर मैं इसमें रख दूंगी एक छोटी सी कटोरी, क्योंकि हमें डबल बॉयल करना है अपनी रेमेडी को। सो फ्रेंड्स, हमारी जो फर्स्ट रेमेडी होगी, यहाँ पे मैंने शहद लिया है यानी कि हनी। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब शहद ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 टाइम यूज के लिए रेमेडी बना रही हूँ। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 चम्मच हनी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल। अब इस रेमेडी में मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच टर्मरिक लिया है यानी कि हल्दी। अब आपको इस रेमेडी को डबल बॉयल करना है, यानी कि जो रेमेडी हमने तीनों रेमेडी मिलाई है ये आपस में तीनों अच्छे से मिल जाए और बिल्कुल पतला, ये जो रेमेडी है बिल्कुल पतली हो जाएगी, क्योंकि जो हनी मिलाया है काफी थिक होता है, तो बिल्कुल पतली रेमेडी हो जाएगी ताकि आप आसानी से अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा सके। और ये जो रेमेडी है आपको गुनगुनी ही, मतलब बिल्कुल हल्की गर्म अपने प्राइवेट पार्ट पे लगानी है तभी असर करेगी। तो हमको बिल्कुल पतली करने तक का वेट करना है ताकि अच्छे से ये डबल बॉयल हो जाए और हमारी रेमेडी बनके तैयार हो जाए। तो करीबन 50 सेकेंड या 1 मिनट के करीब इस रेमेडी को गर्म होने में लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेमेडी बिल्कुल पतली हो गई है जैसी हमें चाहिए थी, बिल्कुल पानी की तरह पतली हो गई है। जो हनी मिलाया था बिल्कुल घुल गया है, बिल्कुल पतला हो गया है। अब आपको क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसको बिल्कुल गुनगुना होने तक का वेट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल गुनगुनी हो गई है और बिल्कुल पतली है, तभी आपको ये यूज करना है। गाड़ी ना हो पाए उससे पहले आप इसको यूज कर लें। अब आपको क्या करना है, आपको अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाना है। आपका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट पे तभी इसको यूज करना होगा। तो आप इस रेमेडी को लीजिए और अपने प्राइवेट पार्ट पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे आपको कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए इस तरीके से रब करना होगा, क्योंकि हमने इसमें जो तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो स्किन व्हाइटनिंग का भी काम करते हैं, स्किन लाइटनिंग का भी काम करते हैं। इसके साथ ही अगर आपके प्राइवेट पार्ट में स्मेल आती है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो बहुत अच्छा तरीका है प्राइवेट पार्ट को साफ करने का, गोरा करने का और प्राइवेट पार्ट की बदबू दूर करने का। तो आपको इस तरीके से मसाज करनी है और आप खुद देख लो कितने चमक आ गई है एक बार कैसी मैंने इस रेमेडी को लगाया। जब आप इस रेमेडी को रोज लगाएंगे ना तभी आपको फर्क महसूस होगा। तो आपको इस तरीके से मसाज करनी है 5 से 8 मिनट। 5 से 8 मिनट मसाज करने के बाद आपको लगा रहने देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे लगा रहने के बाद आपको इसको वॉश कर लेना है। ये रेमेडी आपको सुबह नहाने के टाइम पे करनी है, यानी कि जब आप नहाने के लिए जाएंगे तब आप इस रेमेडी को लगाइए, 5 से 8 मिनट मसाज करिए, फिर इसको आधे घंटे के बाद नहाने के टाइम पे वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस ये रेमेडी आपको लगाने से पहले थोड़ा सा डबल बॉयल यानी कि गुनगुनी करनी होगी। जब ये रेमेडी आप गुनगुनी ही लगाएंगे तभी आपको ज्यादा फर्क दिखाई देगा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज गुनगुनी अपने फेस पे या फिर कोई भी रेमेडी कोई भी स्किन पे लगाते हैं तो वो ज्यादा अंदर से स्किन के अंदर जो होता है सेल्स होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है और जल्दी वर्क करती है। तो आपको ये रेमेडी थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी गुनगुनी करनी है और हल्की सी गुनगुनी करके आपको ये रेमेडी अपने प्राइवेट पार्ट पे लगानी है और रोज नियम से लगाना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए, बनाकर के एक शीशी में रख लीजिए और डबल बॉयल करके गुनगुनी करके जरूर यूज करिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज जरूर लाइक कर देना, क्योंकि 7 से 8 दिन में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही रेमेडी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको और भी अच्छी अच्छी रेमेडी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।